अरे आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा। राजनीतिक दुनिया की हर मंगली खबरें, अपराध पर कसा छाना, किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर का सच यानी पूरा सच देखना ना। रामशंकर जी की कंपनी है, तो सबसे पहले हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रामशंकर जी ब्लेसिंग्स टेलीमीडिया। मैं आप सभी को बता दूं कि रामशंकर जी अपनी कंपनी ब्लेसिंग्स टेलीमीडिया के थ्रू हम सभी दर्शकों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए, हमारे और आपके जैसे इनके फैंस के लिए समय समय पर हमें म्यूजिकल तोहफे देते रहते हैं। और ये रियालिटी शो, डिवोशनल म्यूजिकल रियालिटी शो, उन्हीं तोहफों में से एक है। इस प्रोग्राम का नाम होने वाला है शाम की महफिल। शाम की महफिल, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कितना खूबसूरत होने वाला है ये प्रोग्राम। एंड इट इज़ जस्ट लाइक ऑल दी अदर प्रोग्राम्स जो हम लोग देखते हैं, हमने पसंद किए हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं, जैसे कि इंडियन आइडल, सारेगामा पर, इन्हीं रियलिटी शोज की लाइंस पे होगा। लेकिन फर्क ये होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भजनों को गाया जाएगा, उन्हीं पे आधारित ये रियलिटी शो होने वाला है शाम की महफिल। तो हम सभी म्यूजिक लवर्स और धार्मिक लोगों को ये अंदाज़ा है कि हम सभी के मनोरंजन का भी फुल इंतज़ाम है, क्योंकि एक रियलिटी शो होने वाला है और हम सभी की आस्थाओं से, हमारी धार्मिक पॉइंट से भी जुड़ा हुआ है ये रियलिटी शो। तो रामशंकर जी ने सोचा कि जब ये बेस होने वाला है तो फिर इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन करने के लिए सिर्फ एक इंसान ऐसे हैं जो
खाटू श्याम जी के बहुत बड़े विशेष भक्त हैं और ख़ास तौर पे यहाँ पर आए हुए हैं श्री नंद किशोर शर्मा जी। ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। नंदू जी पे हमेशा एक खास कृपा भी रही है खाटू श्याम जी की, और वो सारे कंटेस्टेंट्स का, इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे कार्यक्रम का मार्गदर्शन करेंगे, और ये बात हमें इनकी वाणी में, इनके भजनों में भी देखने को मिलती है। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन आर डिवोशन, हमारी आस्थाएँ, जैसा कि हमने बताया। और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं रामशंकर जी, को प्रोड्यूसर हैं, जो कि रामशंकर जी के शागिर्द भी हैं, जय कुमार दीवाना जी। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। एंड द बेस्ट पार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रोग्राम के जो जजेस होंगे, ये ऐसे दिग्गज हैं, हमारे लिविंग लेजेंड्स जो मैं कह सकती हूँ हमारे बीच हैं, और ये चारों किसी भी इंट्रोडक्शन के तारुफ के मोहताज हैं नहीं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ कि हम सभी इस चीज़ का प्लीज ध्यान रखें कि शाम की महफिल है और शाम के दीवाने कैसे होते हैं, जरा एक बार बताएं आप सब लोग, प्लीज तालियों का बोल खाटू नरेश की। दोस्तों जोरदार सब लोगों का, पहले तो मैं मेरे मीडिया से जुड़े सभी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी भाइयों का, बहनों का स्वागत करता हूं इस मुहूर्त में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। थैंक यू वेरी मच, आप लोग समय निकाल के आए। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश शाम की महफिल, एक कार्यक्रम शुरू करने की है, जिसने मुझे जो प्रोत्साहन दिया, जो मुझे उत्साह दिया, वो ये लोग सब हैं। जय कुमार दीवाना जी हैं, प्रकाश गढ़वाल जी हैं, किशोर मंत्री जी हैं, संदीप डालमिया जी हैं, इन सब लोगों ने प्रोत्साहन दिया, इन सब लोगों ने इनकरेज किया और मेरी हिम्मत बढ़ाई, और फिर इस पे चार चांद लगा दिए हमारे आदरणीय नंदू जी ने, नंद किशोर नंदू जी ने। और इनका जो एक वाक्य है कि बाबा के काम में आप शुरुआत करते हो, फिर वो उसको आगे बाबा ही संभालते हैं, वो ही देखते हैं, तो आप चिंता ना करें। तो फिर ये नंदू जी का जो एक आशीर्वाद मिला, तो फिर हमने इसकी शुरुआत करी। और फिर मैं सबसे पहले श्री अनूप जलोटा जी, जो मेरे बड़े भाई हैं और जिनका सहयोग, जिनका प्यार शुरू से मेरे ऊपर रहा है, तो इनके पास गया, इनके दरबार में, और मैंने रिक्वेस्ट करी कि इसमें निर्णायक के तौर पे मैं सबसे पहला नाम आपका चाहता हूँ। तो भाई साहब ने एक मिनट का भी समय नहीं लगाया और कहा गो हैड करिए, मैं आपके साथ हूँ। और इसी तरह से साधना सरगम जी, जो मेरी धर्म की बहन भी हैं, साधना जी, इनको मैंने जब कहा तो इन्होंने भी बिल्कुल कहा कि आप बिल्कुल शुरुआत करिए, हम आपके साथ हैं। लखा जी ने भी ऐसे ही प्यार से कहा। और इंडस्ट्री के सारे कलाकार, अनुराधा पोड़वाल जी, कविता पोड़वाल, और जिन जिन से भी मैंने बात करी, जसविंदर नरूला, रिचा शर्मा, सभी ने बड़ा शुभकामनाएँ दी और सभी ने बहुत प्यार से कहा कि आप शुरू करें, हम आपके साथ हैं। तो ये बाबा की कृपा है कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, और इसमें संगीत निर्देशन जो है उसका कार्य मैंने मेरे बेटे आदित्य शंकर को सौंपा, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम का निर्माता भी हूँ, निर्देशक भी हूँ, तो मैंने सोचा ये जिम्मेदारी आप निभाओ। तो उसने भी बड़ा सुंदर एक भजन, विद्वान धर्मात्मा गायक बैठे हो, और जहाँ इन्होंने हाथ लगा दिया जिस काम में, वो तो स्वर्ण होना ही। हम लोग तो इनके सिपाही हैं, जैसा जैसा ये बोलते हैं हम कोशिश करते हैं अनुसरण करने की। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग नंदू जी को सुनकर अपने जीवन को उस पथ पर चलाने का प्रयास करते हैं, हम लोग उनमें से एक हैं। जिन पर राम की कृपा हो उनको बहुत कुछ मिल जाता है, और जिन पर राम और शंकर दोनों की कृपा हो, बाजी मारी हुई है, डबल लॉटरी ली हुई है, तो इनको कौन रोक सकता है। इन पर तीन कृपाएं हैं, राम जी की कृपा, शंकर जी की कृपा और सरस्वती जी की कृपा। किसको मिल सकती है बताइए। और ऊपर से कुछ कृपाएं को दारा सिंह जी को भी मिली हुई है, शक्तिशाली भी हैं, भरपूर शक्तिशाली। तो जिसमें ये सारे गुण हों वो व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। हम तो कितने वर्षों से देख रहे हैं, महान पिता के महान पुत्र हैं, और यूं ही काम करते रहेंगे, कमाल का काम करते रहेंगे। अब तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार हो गई है। इनकी बेटी स्नेहा जब गाना शुरू करती है तो जितने सिंगर होते हैं वो चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाते हैं।
अनन्य प्रेमी मेरे जिन्होंने भजनों को इस काल में एक मुकाम दिया। कहीं जाएं, राजधानी में जाएं, किसी कुंभ में जाएं, सुबह जब आंखें खुलती है तो हमारे अनु भैया की आवाज से खुलती है। बड़े बड़े आश्रमों में बड़े बड़े संतों के बीच, राजनीतिक क्षेत्र में भी जहां भजनों की आवश्यकता होती है वहां आप होते हैं। पहली बार मिला हूं, छोटी बहन तो है मेरी, दूरभाष पे टेलीविजन पे कई बार आपके दर्शन मैंने किए हैं और मुझे जो जोड़ा उसमें रामशंकर जी के साथ साथ जय का बहुत बड़ा हाथ है। इसने बहुत पीछा किया, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पतली गली से निकल पाऊं, लेकिन भजन आदिकाल से है। देखिए 500 साल का इतिहास कहता है, 500-600 साल के बीच का, क्यों मीरा उसी काल में हुई, नरसिंह मेहता भी उसी काल में हुए, सूरदास रसखान भी उसी काल में हुए, बाबा तुलसीदास भी उनके हुए जिनके पद आज भी गाए जाते हैं। प्रश्न ये उठता है तो फिर शाम की महफिल क्यों, आज के समय में इसकी क्या आवश्यकता। मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। महाभारत जब अंत हुआ, द्वापर का अंतिम और कलयुग का प्रथम शुरू होने वाला था, महाभारत के अंत में जब विजय हो गई पांडवों की तो अभिमान आ गया कि ये युद्ध युधिष्ठिर कहे मेरी वजह से जीता, तमाम अपनी अपनी प्रशंसा में लग गए। कृष्ण के पास गए, कृष्ण महात्मा वरवरीक के पास ले गए, महात्मा वरवरीक भीमसेन के पौत्र जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपना शीश उत्सर्ग किया। शीश उत्सर्ग करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण योगमाया को बुलाया, योगमाया से कहा कि आप जैसे राहु के शीश को आपने सींच कर अमर किया है, इस शीश को अमृत तो प्रदान करो। योगमाया के द्वारा अमृत प्रदान प्राप्त किया हुआ शीश टीले पर रखा था। कृष्ण पांचों पांडवों को लेके गए, उन्होंने प्रश्न किया कि बरवरीक आपने युद्ध देखा, आप निर्णय करो कि इनमें से। शंकर जी, भजन सम्राट नंदी जी को पुष्प पुष्प देते हुए, अब रामशंकर जी स्वागत करेंगे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज इस आइकॉनिक मोमेंट के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी जय कुमार दीवाना जी से कि आप हमारे बाकी जजेस का स्वागत करें। आई वुड रिक्वेस्ट हम सभी के सामने जय कुमार दीवाना जी साधना सरगम जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के बीच। जय कुमार जी साधना सरगम जी का स्वागत करते हुए इसके बाद आई वुड लाइक टू कॉल आदित्य शंकर। आदित्य हम सभी के सामने पामेला जैन जी का स्वागत करते हुए। सभी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स किशोर मंत्री जी, आनंद गुप्ता जी, प्रकाश गढ़वाल जी, संदीप डालमिया जी, रामशंकर जी का स्वागत करते हुए हम सभी के सामने आप चारों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब हमारे को प्रोड्यूसर जय कुमार दीवाना जी का भी स्वागत। ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हमारे किशोर मंत्री जी, आनंद जी, प्रकाश जी, संदीप जी, जय कुमार दीवाना जी का स्वागत करते हुए।
यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज नेटवर्क पर वीडियो सहित पूरी देख सकते हैं और हमारे जी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।